हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं 10 और अभी मुझे छोटा मोटा काम करना है, मतलब क्लीनिंग करनी है, नहाना धोना है और बहुत सारे कपड़े रखे हैं, मतलब जो समेटने हैं, क्योंकि मैं डेली कंटेंट शूट करती हूँ ना, तो ऐसे ही कपड़े इधर उधर बिखर जाते हैं, एक के ऊपर एक रखे रहते हैं। बहुत सारा काम है यार, मेरी रैके वगैरह सारी जमी हुई रहती है, हमेशा बिल्कुल चकाचक रहती है। मेरे को मेरी चीजें ना मैनेज हुई भी अच्छी लगती है, तो अभी क्लीनिंग करनी है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सांस फूल गई मेरे बोलते थी सी लाइन। ये देखो बेड की हालत, और अभी हो जाएगी ये, ये देखो ये, और ये देखो, और एक बार इस मोहतरमा को भी देख लो, ये भी हो जाएगी, देखना। वाओ यार, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। मम्मी पता है घिया टमाटर की सब्जी बनाई है और वो बहुत भूख लग रही है। अब मेरे को पता है जब फ्रूट्स होते हैं तो फ्रूट्स खाने का मन नहीं करता, जब नहीं होते ना तो मेरा इतना मन करता है फ्रूट्स खाने का। और सॉरी यार, अभी आवाज आती रहेगी, बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, थोड़े एक दो दिन का काम और बचा उनका। तो यार अब मैं सोच रही हूँ क्या खाऊं। और अब मैं दीपक से, पता है क्या हुआ, मैं दीपक जब यहाँ से घर से यहाँ पर आता है ना दिन में काम के लिए, तो मैं उसको बोलती हूँ तुम आ ही रहे हो तो ये ले आना वो ले आना। कल उसने मुझे काम बताया, और यार लिटरली कल बहुत ज्यादा धूप हो रही थी, और मैं धूप में नहीं निकलती ऐसे, इस वजह से नहीं कि मैं काली हो जाऊंगी या ये वो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता यार। और कैसे बताऊं, इतनी गंदी धूप हो रही है, मतलब मन नहीं लगता है। जैसे मेरा भी कोई काम होगा ना तो भी मैं नहीं जाऊंगी। तो उसने बोला कि ना मैगी मसाला ले आओ। नहीं यार, धूप हो रही है, प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज। फिर ना हम दोनों की लड़ाई हो गई कि तुम अपना काम तो करा लेती हो, खुद का मेरा काम नहीं करा, मेरा काम नहीं करती हो। बस उसी बात पे उसको गुस्सा आ गया, क्या ये कोई बात नहीं होती। हाँ ये कोई बात नहीं होती ना, पर ये तो बात है, पर यही बात होती है यार, धूप में नहीं निकलती मैं। उसके बाद मैं लेके आई, तो भाई वो मैगी मसाला वहीं टेबल पर ही रखा था, लेकिन मजाल क्या वो ले ले, दिया ही नहीं। मैंने बोला यार चलो कोई नहीं, अब मेरा बहुत ज्यादा कुछ ऐसे खाने का मन कर रहा है यार, कुछ फ्रूट रूट या कुछ भी चीज, पर अब मैं उसे मंगवा नहीं सकती। और अब मैं लिटरली उससे तो नहीं मंगवाऊंगी, कुछ ही हो जाए, जैसे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उससे तो नहीं मंगवाऊंगी, मैं खुद ही जाके ले आऊंगी। अब वो आएगा तो मैं स्कूटी लूंगी उसके, और फिर जाके लाऊंगी। अगर तो भी मैं उसकी जाके ले आऊंगा तो पता क्या टोंट मारेगा, हाँ खुद के काम के लिए तो स्कूटियां उठ जाती है, मेरे काम के लिए नहीं उठती, जो तो स्कूटी है पैदल जाने को भी नहीं बोल रहा। तो बस यही है जिंदगी में, यही चलता रहता है यार। इच्छे कहा बनाएंगे हो बपान, अच्छा लगा आपको? रुको रुको, पूरे खाते नहीं है, निकाल मुंह से निकाल, खाते नहीं इसको। बाहुल है ये, अपन ब्रेसलेट होता है, नेकलेस होता है, वो बनाने का ही टेडी। इसको खेले अपन, इसको खेल क्या? मैं गुड्डू ये दे थोड़ ना रही हूँ तेरे को, तो सिर्फ खेलने को दिया है यार, अभी खेल ले फिर मुझे दे देना। ओके, ये मेरे बचपन का है, बचपन का, अभी मैं बुद्धि हो गई। आपके लिए और लाऊं क्या टॉयज? और कल स्कूल जाओगे? नहीं। क्यों? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा यार, ऐसे थोड़ ना होता है। छुट्टी, छुट्टी परसों है छुट्टी, तो कल और जाना है। नहीं। देखो तो कौन आया, तीन ये गुड्डू लिपस्टिक मैं इसको ऐसे बोली थी, वो मेरा बचपन जब मैं छोटी थी, मेरे बर्थडे पे मिला था ना बीट्स वाला खिलौना, मतलब तेड़ ले लाई तो बोलता अच्छा मेरा है, मतलब मैं मम्मी के पास लेके जा रहा हूँ, ये तो इधर उधर कर देगा बीट्स, तो मैंने ना बड़ा वाला है ना बड़ी मम्मी के पास रखा है, तो बोलता ओहो चलते चलो। बैठो नीचे, इसकी अभी आंख में है ना पाउडर चले गया था, बहुत जोर से रोया। क्यों शैतानी करते हो गुड्डू आप, मैं तब देखो ये क्या कर रहे हो, बोलता बड़ा वाला चौक लूंगा, मेरे को इतना सा दिया है देखो चंट। तो फैमिली देखो, मैंने इसके लिए क्यूट सा ब्रेसलेट बनाया। गुड्डू कैसा लगा? अच्छा। आप पहनोगे? ये इसने चूज किया है दीदी, ये हार्ट वाला बनाना, लो पहनाओ, इधर आओ। गुड्डू कितना प्रीटी लग रहा है, कैसा लग रहा है गुड्डू? गाइज अभी मैं नहा धो करके आया हूँ, अभी एडिटिंग करूंगा, जिम से आकर के मैं हाथों हाथ पोहे खाने चला गया था, पोहे खा करके जूस पी करके मैं आ गया घर पे, नहा लिया हूँ, अब एडिटिंग करने बैठूंगा। और भाई जयपुर में लास्ट दो दिनों से इतनी गंदी गर्मी पड़ रही है, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली गंदी गर्मी पड़ रही है,
मतलब हालत ऐसे खराब हो रही है, आप बाहर निकल रहे हो ना तो आपके ऐसे पाँव जलने जैसे लग रहे हैं, बहुत इतनी गंदी हालत खराब हो रही है जयपुर की गर्मी के अंदर। अभी काफ़ी भयंकर धूप हो रही है बाहर, है ना, हवा नहीं चल रही, बाहर लू चल रही है। मेरे भी क्या है, लू लग गई थी, लू लग गई या फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरी जुकाम सी हो रही है। मैंने शायद या तो ठंडा पानी पी लिया जिम के अंदर एक्सरसाइज करने के बाद में, या फिर शायद मैंने पसीने के अंदर, है ना, स्कूटी चला के घर पे आ गया तो वो ठंडी हवा बन के ऐसे लग गई दिखती है। तो मैं कुछ दिनों से दवाइयाँ लिए जा रहा हूँ, करीबन 3-4 दिन हो गए कंटिन्यू दवाइयाँ लिए जा रहा हूँ, क्योंकि हालत बहुत ख़राब है। सुबह तक तो ऐसा गले के अंदर ऐसे सूखा सूखा सा हो जाता हूँ पूरा बिल्कुल, और पानी में साथ में लेकर के सोता हूँ, एनी टाइम मैं अपने पास भर के रखता हूँ। प्यास हर थोड़ी सी देर में लगती रहती है, हर थोड़ी सी देर में गला सूख जाता है। एडिटिंग तो पूरी नहीं हो पाई गई, बट अभी अचानक से शिवराज का फ़ोन आ गया कि भैया कोई काम है तो एक बार आ सकते हो, तो मैं अभी फिलहाल शिवराज के पास जा रहा हूँ, फिर वहाँ से डायरेक्ट नुपुर के वहाँ पे चल जाऊँगा, निकल रहा हूँ घर से। हाँ शिवराज, क्या हाल है? हाल बहुत ख़राब है गर्मी के कारण। गर्मी है यार, इसलिए कूलर लगा रखा है बढ़िया। नहीं नहीं बोलो ना, मैं कुछ ही नहीं, नहीं बोलो, दीपक आइसक्रीम नहीं लेके आया। मैं ले आऊंगी, तो बोला ही नहीं तुम्हें लाने के लिए। मेरे को नहीं बोला तुमने लाने के लिए, मेरे को ऐसे बोलते दीपक आइसक्रीम लेके आना, और मैंने इसको कल कहा, कल और एक दो दिन पहले भी कहा था, तभी इतने नाटक करती है कि धूप के अंदर मेरे को मत काम कहा करो, और आज जब इसको काम पड़ा ना तो बोल रही है कि तुम लेकर के आओ मेरे लिए। मैं क्यों लेके आऊँ भाई इसके लिए? जाओ खड़ी हो जाके लेके आओ, जाओ मेरे लिए। मैं इसके लिए लेके आई थी गाइस, हां हां, आधा खाना खाने के बाद में जाओ आइसक्रीम लेके आओ, जाओ मेरे लिए भी लेके आओ, जाओ। नहीं नहीं मैं तो खाते ही नहीं, मैं खाऊंगा, लेके आओगे आइसक्रीम, जाओ खाता ही नहीं। मैं खाऊंगा खाऊंगा आज खाऊंगा इसमें, नहीं पहले ले आओ, पहले खड़ी हो, पैसे पैसे तुम्हारे पेटीएम में बड़े, 50 रुपए नहीं खर्च हो गए, जाओ आइसक्रीम लाओ मेरे लिए यार। नहीं लेके आओ, परेशान मत करो, आपकी आइसक्रीम तो ले आया मैं, ले लूंगा आइसक्रीम खाओ, तुम लेके आओगे तुम्हारी और मेरी आइसक्रीम, लेके आओ जाओ। मेरी तो लाया ही, कहो भगवान, ऐसा हो ही नहीं सकता, दीपा मम्मी की लाया तो मेरी लाया। अब बाहर में जाओ। तो अभी दीपक कर रहा है एडिट, उसके बाद करेगा दीपक अपलोडिंग, और दीपक हो गया पतला। मैंने अभी आज रियलाइज किया कि थोड़ा फर्क आ रहा है फेस वगैरह पे भी, ऐसा कुछ भी होता समझे। फिलहाल मेरी हो चुकी है एडिटिंग पूरी कंप्लीट, और मैं बिल्कुल फ्री बैठा हूँ। नुपुर को अब काम की याद आई कि उसको बर्तन वगैरह मांजने, तो वो बर्तन वगैरह मांजने गई है। बाहर अभी भी धूप है और टाइम हो चुका है 6:15 बज चुकी है, फिर भी बाहर धूप है, और अभी भी वो जो दोपहर के टाइम की लू होती है ना उस टाइप की अभी भी बाहर चल रही है। शाम हो चुकी है लेकिन मौसम अभी तक ठंडा नहीं हुआ। तो फैमिली अभी मैं आई हूँ बाहर, और आप जो सोच रहे हो ऊपर अकेली कैसे है, तो मैंने दीपक को बोला कि ना मेरे साथ बाहर चल रहे हो गया, क्योंकि शाम के टाइम मेरा मन करता है बाहर जाने का, ठीक है, सबको पता है चीज। उसने डिनाई कर दिया, उसको कुछ काम था, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो मैं शाम को क्या यूजुअली उसी के साथ बाहर जाती हूँ, और बाकी मेरा मन भी नहीं करता ऐसे जाने को, बट आज मतलब था कि हाँ मैं जाऊँ, था थोड़ा मन। मैं गली भूल गया, गली कौन सी थी, यहाँ से एक शॉर्टकट निकलता है यार, हाँ आगे वाली थी, रुको मैं बता दी, सब लोग देख रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है ब्लॉगिंग करते हुए, आस पास के सारे लोग देख रहे हैं, और ये बहुत गली है, सब लोग देख रहे जाते कर क्या रही है। मेरे को तो अब बिल्कुल शर्म नहीं आती, पहले मैं बहुत कैमरा शाय थी, अब मेरे को भैया घंटा ही फर्क नहीं पड़ता। मतलब अच्छी बात है, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो मतलब फिर उसने मना कर दिया, उसको कोई काम था, फिर वो घर चले गया। तो अभी क्या 8 बज रहे थे, तो मैंने हैप्पी से पूछा, हैप्पी चल रहा है क्या वॉक पर, उसने डिनाई कर दिया। मैंने बोला छोड़ ऊपर, हैप्पी की बात नहीं है ना दीपक की बात है, मतलब इतनी दूसरों पे डिपेंड नहीं होना, बस इतना सा मैंने सोच लिया कि कुछ सालों से है ना मैं बहुत ज्यादा डिपेंड हो गई थी कभी मम्मी पे, दीपक पे, या कोई फ्रेंड्स वगैरह पर। तो मैंने ये सोच लिया भाई कि तेरा जो मन है ना वो कर, बस मम्मी से पूछ ले। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं बाहर चल जाऊँ क्या वॉक पर, बोले ठीक है चल जाओ, क्योंकि 8 बज रहे थे इसलिए अलाउ कर दिया, लेट होती तो मम्मी अलाउ नहीं करती। तो भाई किसकी यहाँ चाहिए फिर मेरे को, बस मम्मी ने बोल दिया ना तो ठीक है, मैं बाहर निकल गई। तो बस यही है यार कि बस एक चीज बांध लो, आपको भी ये चीज बोल रही हूँ कि भैया किसी पे डिपेंडेंट होना ही नहीं है। जब कोई इंसान डिनाई कर देता है ना, मैं इसी चीज से नहीं बोल रही, तो बहुत छोटी चीज है। आज मुझे जो रियलाइजेशन हुआ ना,
वो लिटरली मुझे कभी लाइफ में नहीं हुआ है। तो इतनी छोटी सी चीज, ठीक है, जरूरी नहीं है यार अब डिपेंडेंट हो। दूसरा इंसान मना कर रहा है कोई बात नहीं, एक बार पूछो, करने दो यार, गाड़ी नहीं है, कैब करो पैसे, चल पड़ो यार, चल पड़ो सही में। तो ये कल यहाँ से मैंने मोमोज खाए थे, तो मम्मी को शाम को कुछ खाने आने का मन करता। सॉरी मैं कैमरा पे नहीं देख पा रही, मैं नीचे देख रही हूँ, आई कांटेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि पत्थर वत्थर आ रहे हैं, मेरे को लग रहा है गिर नहीं जाऊँ क्योंकि यार लाइट सोर्स भी कम है। तो मैंने सोचा कि ना मम्मी के लिए मोमोज ले लेती हूँ, तो मैं बस वही लेने आई हूँ, थक गई यार। पहले यहाँ मैं जॉब करती थी, वहीं की गली से आ रही हूँ, मुझे गली कभी नहीं पता थी, बट ये शॉर्टकट है तो मैं वहीं से आ गई। थोड़ी देर में बात करते हैं। सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा, हाथ दुख रहा है। तो मम्मी का रात को कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, मम्मी खाती तो नहीं है, मन में ही रख लेती है, तो उनको चटपटा खाने का मन करता है, मैं सोचा ले ही लेती हूँ। बस लेटे रहो, देखो मैं क्या लाई। अरे थक गई यार मैं आपसे ज्यादा थक गई आज तो यार, जनपथ रोड जाके आई, ऐसे ही जा रही थी। तो मैं देखी मम्मी के लिए मोमोज लेती हूँ, आधी दूर तो पहुंची गई, मम्मी टेस्ट करके बताएगी। हाँ आपके लिए, क्योंकि आपको रात को खाने का मन करता है इससे। देखो तो पापा शादी में गए थे, है ना पापा? यार ये पता नहीं क्यों ऐसे मुझसे इतनी बातें करते हैं ब्लॉग के टाइम ऐसे करते हैं। ये देखो तो पापा ये मिठाइयाँ लेके आए, मम्मी के लिए साड़ी, और पापा आपका दिखाओ, पापा के लिए ये, और एक बहुत अच्छा ही हॉटकेस दिया उन्होंने। मम्मी बोली नए किचन में काम मिलेंगे और मैं एंजॉय कर रही हूँ मेरे मोमोज। तो गाइस कल जो मैं खाई थी ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो इससे एक चीज प्रूव होती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बट देखो कल बहुत टेस्टी बनाए थे, नो डाउट। मैं सेकेंड टाइम ही खाई हूँ, एक बार रुचि हो जाती है, बट आज इतने कुछ खास नहीं लगे। फर्स्ट टाइम कल तो बहुत टेस्टी थे, मे भी इस वजह से क्योंकि घर लेके गई हूँ तो थोड़ा ठंडा हो गया, बट उनकी जो चटनी कल थी ना, आज उस चटनी में मजे नहीं आए। बाकी सब सही था, सॉफ्ट थे, बढ़िया थे मोमोज, खा लिए। सो गाइस यही था आज इस ब्लॉग के अंदर, उम्मीद करते हैं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शबा खैर।